हरे कृष्णा। तो देखते हैं आज आपके लिए कौन सा एंजेलिक मैसेज मिल रहा है, कौन सा एंजल आज आपको गाइड कर रहा है। ठीक है, तो ये है एंजल्स की लिस्ट, सभी आठ एंजल्स हैं। लेट्स शफल इट एंड फाइंड आउट आपके लिए कौन सा एंजल आज आ रहा है। यस, वी आर चोजन वन एंड एंजल इज नॉट दैन आर्च एंजल जेरेमियल। वाओ, यू आर क्वाइट लकी। आर्च एंजल जेरेमियल आ चुके हैं एंड आप इनकी ब्लेसिंग्स ले सकते हैं। यू कैन इवन से कि आई एम प्रेइंग टू आर्च एंजल जेरेमियल, प्लीज़ ब्लेस मी। ठीक है, ये आप पांच बार कह सकते हैं एंड इनकी ब्लेसिंग्स थोड़ी बहुत ही सही आपको मिल सकती है। ठीक है, अब देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं, आते हैं, आ सकते हैं फ्रॉम एंजेलिक रीड। चलो कुछ कार्ड चुनते हैं। सो वी गोना चूज अप टू सेवन कार्ड्स, 3, 4, 5, 6 एंड फाइनली 7। ओके, सो दिस इज द 7 कार्ड्स। तो यहाँ पे क्या मैसेज आ रहा है आपके लिए देखते हैं। कनेक्शन एट अ सोल लेवल, बहुत ही वंडरफुल मैसेज है। तो इस मैसेज से हमें पता चलता है कि आपका जो कनेक्शन है वो एट अ सोल लेवल बन रहा है या बन सकता है। ठीक है, मेरे हिसाब से आप किसी के बारे में बहुत ज़्यादा फील कर रहे हो एंड काफ़ी कनेक्टेड हो, तो एक सोल लेवल का डीप कनेक्शन आप महसूस कर रहे हो। मे बी यहाँ पे एंजल आपको गाइड करना चाहते हैं कि आपको थोड़ा सा सावधान रहने की ज़रूरत है एंड काफ़ी प्यार आप उस व्यक्ति से करते हैं, तो शायद उस व्यक्ति को खोने का भी डर आपके दिल में हो सकता है। हालांकि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं कि आप उस व्यक्ति तक पहुँचें, अपनी बातें बताएं एंड उनको खुश रखें, लेकिन फिर भी डेस्टिनी क्या है, डिवाइन ने क्या सोचा है, ये आपको नहीं पता। तो कहीं ना कहीं आपका जो कनेक्शन है इतना बढ़ चुका है कि आप उनके लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं एंड किसी से भी फाइट करने के लिए रेडी हैं। तो ये जो कनेक्शन है, यही कनेक्शन आप दोनों को जोड़ता है, तो आपको ये कनेक्शन बरकरार रखना है एंड इसी तरीके से आगे बढ़ना है। ठीक है, सेकेंड जो कार्ड यहाँ पे आ चुका है वो है स्टेबिलिटी। तो ये एक कार्ड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मे बी आपकी जो ज़िंदगी है वो अभी दिन ब दिन बेहतर होते जा रही है, स्टेबिलिटी आ रही है। हालांकि शायद आपको ऐसा ना लगे कि स्टेबिलिटी आ रही है, लेकिन देखो जो डिवाइन के प्लान्स होते हैं वो बहुत अलग होते हैं। कौन सा दिन या कौन सा मोमेंट किस तरह से आपको कनेक्ट करेगा आपको नहीं पता। यहाँ तक कि ऐसा भी कहा गया है कि कुछ लोग कई सारे किलोमीटर्स गए एंड फिर उनको पता नहीं क्या याद आ गया, रिवर्स आ गया और उन्होंने एक सिंगल लॉटरी की टिकट खरीद ली। पता चला अगले ही हफ्ते वो करोड़ों के मालिक बन गए। तो कौन सा मोमेंट आपको कहाँ पे कनेक्ट कर सकता है आपको नहीं पता। यहाँ तक कि हमने ऐसे भी लोग देखे हैं जिनके ज़िंदगी में अचानक से परिवर्तन हो जाता है एंड वो अपनी ज़िंदगी में खुशहाली पाते हैं। तो ये ना कहीं स्टेबिलिटी आपकी ज़िंदगी में आ रही है। अगर थोड़ी बहुत मुश्किलें आ रही है तो आपको उनसे गुजरने की और उनसे कुछ सीखने की ज़रूरत है। तो स्टेबिलिटी आपके लिए आ रही है। ठीक है, थर्ड जो कार्ड है वो है लॉस। तो लॉस यहाँ पे आ रहा है, जैसे हमने पहला कार्ड देखा स्टेबिलिटी, तो कहीं ना कहीं पे यहाँ पे कोई चीज़ टूट सकती है या फिर टूटने वाली है या आपसे छीन ली जा सकती है। देखो कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती। अब शायद आप में से कुछ लोग कह रहे होंगे कि भाई एंजेलिक मैसेज है एंड यहाँ पे लॉस कैसे आता है। ऐसा नहीं है, ये ज़िंदगी है एंड ज़िंदगी के सभी पहलू होते हैं। हम सिर्फ अच्छाई को फॉलो नहीं कर सकते, बहुत सारी चीज़ें होती हैं एंड इंसान की फितरत कहीं ना कहीं हमें दिखती है। मैंने एक वीडियो देखा आज, डॉक्टर संजीव कुमार आई थिंक उनका नाम है, उन्होंने कहा कि सबसे ज़्यादा चर्चा जिस इंजेक्शन की हो रही है वो है रेमडेसिविर। कहीं पर भी ये नहीं लिखा है कि रेमडेसिविर लाइफ सेवियर है, लेकिन इसलिए बेचा जा रहा है क्योंकि उसकी कीमत बहुत ज़्यादा है। हालांकि जो यूके में स्टडीज़ की गई है उसके अनुसार पता चला है कि स्टेरॉइड्स इंसान की ज़िंदगी बचा रहे हैं। हालांकि सेकेंड फेज़ में या फिर सेकेंड वीक में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, उसकी कीमत सिर्फ़ और सिर्फ 10 रुपये है, सिर्फ 10 रुपये एंड काफ़ी क्वान्टिटी में ये भारत में अवेलेबल है। लेकिन आपने इनके बारे में नहीं सुना क्योंकि लोग अपना फ़ायदा उठाना चाहते हैं। लॉस यहाँ पे इसलिए आ रहा है कि शायद आपको किसी से सावधान रहने की ज़रूरत है। अगर आप हॉस्पिटलाइज होने जा रहे हैं या फिर आप कोई
डील कर रहे हैं या फिर ऐसे किसी व्यक्ति से मिल रहे हैं यहाँ तक कि जिससे आप प्यार करते हो, अगर वो व्यक्ति सच में आपके लिए नहीं बल्कि आपके पैसों के लिए इंटरेस्टेड है, तो कहीं ना कहीं पे ये चीज़ आपके लिए दुखदायी हो सकती है। हालांकि इसके बारे में सोचना आपका निजी कर्तव्य बनता है। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे आ रहा है वो है इमोशनल फुलफिलमेंट। तो ये एक बात आपकी ज़िंदगी में हो सकती है। देखो, इमोशनल फुलफिलमेंट तभी होती है जब हम अपने आप को फ्री करते हैं। कोई भी बर्डन आपको अपने ज़िंदगी में नहीं रखना है एंड अपने आप को हर चीज़ से फ्री करना है, तो आपको इमोशनल फुलफिलमेंट मिल सकती है। देखो, जितना हो सके एक दूसरे को आप सपोर्ट कर सकते हैं एंड इस क्राइसिस के दिनों में आप एक दूसरे की काफ़ी हद तक मदद कर सकते हैं। काफ़ी एनजीओज हैं जिनको आजकल बहुत पैसों की ज़रूरत है, ऐसे लोगों को आप बहुत सारा हेल्प कर सकते हैं, तो आपको इमोशनल फुलफिलमेंट ज़रूर मिलेगा। ठीक है, देखो ऐसे व्यक्ति से जुड़िए जो आपको इमोशनली फुलफिल करता है, ना कि सिर्फ ऐसे व्यक्ति से जिसको देख के आपको सुकून मिलता है। बॉडी का रंग रूप कभी ना कभी तो बदलेगा एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट कार्ड है वो है जेंटल मेल। तो कहीं ना कहीं पे मुझे लग रहा है कि ये आपके लिए एक तरह की चुनौती है। अगर आपका स्वभाव जो है वो थोड़ा गुस्सेला है, थोड़ा सा एंग्री है, तो कहीं ना कहीं पे आपको कंट्रोल करने की ज़रूरत है एंड यही आपको बताया जा रहा है। कई बार हम अपना आपा खो देते हैं। अभी कुछ घंटे पहले मैंने एक न्यूज़ देखी जहाँ पे परमिशन ना होते हुए भी एक जगह पे शादी हो रही थी, वहाँ पे पुलिस भी इनको सपोर्ट कर रही थी, तो वहाँ पे कलेक्टर साहब आ चुके एंड फिर उन्होंने अपना आपा खो दिया एंड उन्होंने लोगों को सस्पेंड, यहाँ तक कि उनको टर्मिनेट करने की भाषा की एंड उनकी जो वर्ड की सिलेक्शन थी वो काफ़ी हद तक ऐसी थी जो आप कैमरा में नहीं देखना चाहते। तो कहीं ना कहीं पे जब अपना आपा खोते हैं तो वो एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करने वाली हो सकती है। नेक्स्ट कार्ड है वो है इनर स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड। तो ये एक बात आपके दिल में होनी चाहिए। देखो, ज़िंदगी में नेक्स्ट पल कौन सा आएगा ये हमें नहीं पता। एंजल्स भी लिमिटेड है। ऐसा नहीं है कि एंजल आपके साथ है इसका मतलब कोई भी चीज़ नहीं होने वाली। देखो, डिवाइन का कनेक्शन होता है एंड डेस्टिनी होती है। हम हर चीज़ को नहीं रोक सकते, हालांकि अपोज ज़रूर कर सकते हैं। आपको एंजल बोल रहे हैं इनर स्ट्रेंथ आप गैदर कीजिए। जैसे कि मेरे लाइफ में हुआ था, अभी मैं कोविड के न्यूज़ काफ़ी देख रहा था, तो मेरा बीपी जो ऑलरेडी हाई रहता है हायर हो गया, 150 के ऊपर चला गया। वेरी वेरी अफेक्टिंग माई लाइफ बैडली। तो मैंने अभी वो न्यूज़ देखना काफ़ी हद तक कम किया है, मुझे मेरे डोसेस बढ़ाने पड़े, तो वो लिमिट में आ चुके। तो कहीं ना कहीं आपको इनर स्ट्रेंथ बढ़ाने की ज़रूरत है। एंड जो फाइनल कार्ड है वो है सॉलिट्यूड। तो सॉलिट्यूड में रहना सीखिए। कई बार हम कहते हैं कि लोनलीनेस है या फिर अकेलापन है। देखो, अकेलापन कोई अभिशाप नहीं है, लेकिन सॉलिट्यूड में रहना, देखो आपकी अपनी प्राइड है ना। जैसे कि आपका जो प्रेमी है वो शायद आपसे गुस्सा हो गया है, खफा हो गया है। अगर छोटी सी बात है तो आप उनसे बात कर सकते हैं, उन्हें मना सकते हैं, लेकिन जब कोई बहुत बड़ी चीज़ है और ऐसी चीज़ में अगर वो आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं या फिर आप कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क कर रहे हैं और ऐसे में भी वो आपसे बात करना चाहते हैं, हंसी मजाक करना चाहते हैं, जो कि बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, ऐसे में अपने सॉलिट्यूड में रहना ही आपके लिए काफ़ी बेहतर है। किसी के रिस्पेक्ट ज़रूर कीजिए, लेकिन अपनी रिस्पेक्ट बिल्कुल भी डिग्रेड ना कीजिए। ये मैसेज यहाँ पर आ रहा है। आई होप दिस कुड रेजोनेट विद यू। थैंक यू, टेक केयर, साइनिंग ऑफ। बी एन यू।